सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, ये बड़ी जानकारी। आंधी तूफान बारिश के पीड़ितों को बड़ी राहत है, मृतकों के परिजनों को मिलेगी 5-5 लाख की आर्थिक सहायता। ये संवेदनशील फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बड़ा फैसला नजर आया है, क्योंकि जिस तरह का आंधी तूफान हाल ही के दिनों में देखने को मिला है वो एक भयानक स्थिति कई घरों के लिए बन गई, जहां पर कई पेड़ उखड़ गए, कई घर जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए और कई लोग इससे पीड़ित भी हैं। तो ऐसे में बड़ी राहत देने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, मृतकों के परिजनों को मिलेगी 5-5 लाख की आर्थिक सहायता, क्योंकि जिस तरह का आंधी तूफान बारिश हाल के दिनों में यानी कि कल परसों देखने को मिली थी तो उसमें कई लोगों के तो घर गए, वहीं कई लोगों की मृत्यु भी हो गई और इसी को लेकर ये बड़ा फैसला, संवेदनशीलता दिखाई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और हमारे सहयोगी दिनेश डांगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, जानकारी दें, 5-5 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है मृतकों के परिजनों को। जी बिल्कुल, सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा संवेदनशीलता वाला फैसला यहां पर लिया है, जो प्रदेश में 2-3 जिले से कह सकते हैं कि आसमानी कहर बरप रहा है। आंधी तूफान और बारिश से काफी नुकसान हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है, राजस्व है और जिला प्रशासन है, वो तमाम अधिकारी इस नुकसान का आकलन कर रहे हैं और राजस्थान सरकार हर संभव पीड़ितों की मदद करेगी, उनके साथ खड़ी है और जो भी सरकार से आर्थिक या अन्य कोई मदद हो सकती है इसके लिए सरकार तत्पर है। और उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी आपदा में अपनी जान गंवाई है उनके सभी मृतकों की आत्मा की मैं शांति की कामना करता हूं और सभी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार देगी। ये सीएम अशोक गहलोत ने यहां पर किया है, उन्होंने संवेदनशीलता के साथ ये फैसला किया है। इस घटना पर उन्होंने चिंता भी जताई है, किस तरह आपदा में लोगों की मौत हुई है, किस तरह लोगों का नुकसान हुआ है, सरकार इसकी भरपाई करेगी और इसके लिए सर्वे करवाया जा रहा है, नुकसान का आकलन करवाया जा रहा है। राजस्व विभाग के पटवारी जिला प्रशासन के सुपरविजन में इस काम में जुट चुके हैं। बिल्कुल दिनेश, और देखिए एक संवेदनशीलता मुख्यमंत्री की तरफ से हमेशा नजर आती है। कई बार जब फसलें भी खराब हो जाती हैं तो गिरदावरी के आदेश दिए जाते हैं और तत्काल गिरदावरी के भी आदेश होते हैं, तो ऐसे में क्या ऐसा कुछ नुकसान भी हुआ है और उस पर भी क्या मुआवजे की घोषणा आने वाले वक्त में हो सकती है? ये बिल्कुल उसके एक नॉर्म्स बने हुए हैं, इसीलिए एक रिटर्न के अंदर रिपोर्ट है वो मंगवाई जा रही है, कितना नुकसान हुआ है, किन किन जिलों में नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद तुरंत उनको आर्थिक मदद यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत ये एक जानकारी, संवेदनशीलता भी मुख्यमंत्री की है, जो आंधी तूफान बारिश के पीड़ित हैं उनको बड़ी राहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है।